बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक अपन लेके आए हैं प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है उसके बारे में अपन जानेंगे, प्रोटीन की कमी से क्या कौन से रोग होते हैं वो अपन देखने वाले हैं, और प्रोटीन की जो यूनिट वगैरह होती है, प्रोटीन का जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें अपन इसी के अंदर देखने वाले हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है ये सारी बात अपन देखने वाले। तो सबसे पहले कहा गया कि जो प्रोटीन है सर, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या होती है, एक कार्बनिक कंपाउंड है सर प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर अगर अपन बात करें कि जो भी अपन डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रोटीन ले रहे हैं, डाइजेस्ट अगर करेगा तो हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब प्रोटीन का टूटना स्मॉल यूनिट के अंदर, उसको अपन उस क्रिया या उस मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइज्ड कहते हैं। अगर कहते हैं सर प्रोटीन का अपघटन होने के कारण जो बनेगा वो क्या होता है, तो वो होता है अमीनो एसिड होते हैं। और अमीनो एसिड जो प्रोटीन की जो होती है सर, ये यूनिट होती है, रहा है ना, कौन सी यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट। अगर अपन हिंदी बोले तो इसका एकलक इकाई, अगर बोले जाए प्रोटीन क्या है सर, एक पॉलीमर है, बहुलक है। और इस पॉलीमर बहुलक को तोड़ने के बाद में जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी या एकलक इकाई बनेगी या मोनोमर यूनिट बनेगी वो कौन सी बनती है, अमीनो एसिड बनती है, रहा है ना। इसको हाइड्रोलाइसिस होना मतलब इसका टूटना होता है, जल अपघटन क्रिया होती है इसके अंदर। अगला कह रहे सर प्रोटीन के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं तत्व वगैरह, तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और सल्फर पाया जाता है। ये जो पांच अपने पास है इनसे मिलकर प्रोटीन बना होता है। अगला कह रहे सर अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और अमीनो अम्लों के अंदर दो ग्रुप होते हैं, वो एक ग्रुप तो होता है अमीनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाँ है ना। अमीनो ग्रुप के बारे में बोला जाए तो बोल देना, एमीन जो होता है वन डिग्री पोजीशन होती है इसकी, इसका पूछ ले इसकी डिग्री कौन सी होती है, तो वन डिग्री एमीन पाया जाता है। अमीनो अम्लों में पाई जाने वाली एमीन कितने पे होते हैं, वन डिग्री एमीन। दो समूह अपने बताया, एमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह, ये अमीनो अम्लों से मिलकर बना हुआ जो हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर अब अगर समूह अब पूछ ले तो अपन बोलेंगे पांच समूह से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल दो समूह से मिलकर बना होता है, रहा है ना। अगला कह रहे सर प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करती है वो देखते हैं अपन। तो बॉडी एंड सेल को सपोर्ट देने का जो काम होता है, अपन कह सकते हैं सेल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए, है ना, स्केलेटन जो होता है सेल का वो जो बनेगा वो किससे बनता है, प्रोटीन से। बॉडी जो ग्रोथ है वो सब कुछ होती है प्रोटीन की वजह से। अगला कह रहा है ऑर्गन और बॉडी मूवमेंट के लिए जो सहायक होता है वो भी प्रोटीन होता है। अगर अपन मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स के अंदर दो प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स आपने तंतु देखे होंगे, वो क्या करते हैं, मसल्स मूवमेंट के लिए सहायक होते हैं। अगला कह रहा है सर इसके अलावा सेलुलर कम्युनिकेशन का काम भी करता है, जैसे हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन है, रिसेप्टर है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कोई भी मैसेज अगर जाएगा वो रिसेप्टर के द्वारा जाता है। और रिसेप्टर और अपन की जो बॉडी में रिसेप्टर का सबसे ज़्यादा रोल करते हैं या रोल निभाते हैं वो कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। अगला कह रहा है सर रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होने वाली है एंजाइमों का या फिर हार्मोन का या फिर न्यूरोट्रांस का, जैसे जो मैं सांस की क्रिया ले रहा हूँ, आप जो ले रहे हो, हमारे अंदर मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शन हो रही है, वो सारी की सारी रिएक्शन जो होती है वो रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर आती है। और इनको जो मेंटेन करते हैं वो कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हाथ पैर इधर उधर हिला रहा हूँ, तो इस समय कौन से काम कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, आए ना। मुझे क्या बोलना है, क्या आपको बताना है, किस समय क्या कौन सी लाइन बोलनी है, आए ना, और लाइन के बाद में आपको क्या चीज़ समझानी, ये जो काम कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर करवा रहा है, आए ना। एंजाइम जो मेरे शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएँ हो रही है उनको जो नियंत्रित करता है वो कौन करा है, एंजाइम है। तो एंजाइम किससे मिलकर बने होते, बताया है, किससे मिलकर बने होते, एंजाइम प्रोटीन के होते। अगला कह रहा है सर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है। अब आ रहे हैं अपन कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अपन देखो देखते हैं, कवाशिकोर होता है एक डिजीज, और मेरास्मस होता है, एडिमा होता है, और एनीमिया होता है। जो मेन होता है सर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वो दो देखा जाता है, क्वाशिकोर देखा जाता है और मेरास्मस डिजीज देखी जाती है, दो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। और ये दोनों कब होती है, क्यों होती है, और कितना इनका होता है, क्या इसके लक्षण है, सारे अपन देखने वाले। तो सबसे पहले देखो क्वाशिकोर जो डिजीज है ये प्रोटीन की कमी, जैसे मान लो कोई बच्चा है
और उस बच्चे के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो वो कौन सा डिजीज के अंदर आएगा? माल, अरे माल न्यूट्रिशन में से कौन सा आएगा? प्रोटीन की कमी से होने वाला। अगला कह रहा है सर ये किस एज में देखा जाता है? तो ये 1 से लेके 5 वर्ष के बच्चों में ये क्वाशिकोर्स देखा जाता है। अगला है सर यहाँ पे देखो मिरासमस जो होता है सर ये प्रोटीन के साथ अगर कैलोरी की कमी हो जाए, ठीक है, एनर्जी भी कम हो बच्चे में और इसके साथ साथ विटामिन्स की कमी आ जाए, इसके साथ साथ और न्यूट्रिएंट की कमी आ जाए, ठीक है, मिनरल्स की कमी आ जाए, तो ये सभी की कमी अगर देखने को मिले तो वो होता है मिरासमस डिजीज। और क्वाशिकोर के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन की कमी है ये पूछा जाता है। और किस एज में देखा जाता है? तो क्वाशिकोर जो होता है 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है और मिरासमस जो होता है वो अपन कह सकते हैं 1 साल के बच्चों में देखा जाता है या 1 मंथ से लेके 15 महीने तक या 1 साल ही होगी कुल मिला 1 साल तक ये देखा जाता है। अगर बोला जाएगा सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो अपन कह सकते हैं सर कोज क्या हो सकता है इसका? सर कोज यही है सर अपन ऐसी डाइट ले रहे कम ले रहे जिसके अंदर प्रोटीन अपन को मिल ही नहीं रहा है, हाँ ना, या अपन कह सकते हैं प्रोटीन लेस डाइट अगर अपना है तो यह हमको देखने को मिलेगा। तो बच्चों का जो हार है जो भोजन है न्यूट्रेंट है उसमें अपन को प्रोटीन को क्या करना होता है मेंटेन करना होता है। इसके अंदर सर प्रोटीन तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ अपन को क्या करना होता है कैलोरी विटामिन और मिनरल्स का भी ध्यान रखना होता है। और ये ज्यादातर बच्चों में इसलिए हो जाता है क्योंकि लेस मदर मिल्क, अगर माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है 1 साल तक प्रॉपर ध्यान नहीं देती है तो उस बच्चा के अंदर मिरासमस अपन को देखने को मिलता है। अगला कह रहे हैं सर इनका दोनों का लक्षण क्या क्या हो सकता है? तो पहला देखो क्वाशिकोर का लक्षण देखते हैं सर, इसके अंदर ग्रोथ जो है रिटार्डेशन देखी जाती है, ये बच्चे की ग्रोथ बढ़ी नहीं पाती है ना, अपन को पता चल जाता है 5 साल का बच्चा की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, ये सेम सा ही दिखता है, ठीक है। अगला कह रहा है सर ये इसका जो शरीर होता है पहले हाथ पैर में सूजन आता है, उसके बाद में एब्डोमिनल पार्ट पे सूजन आता है, चेस्ट पे आता है, फेस पे आता है, तो ये बच्चा जो अपन को है गोलू मोलू सा नजर आता है, एडिमा इसके अंदर देखा जाता है, वास्टिंग ऑफ मसल्स और मसल्स की जो होती है वास्टिंग हो जाती है, धीरे धीरे जो मसल्स होती है वो खत्म होने लग जाती है, हाँ ना। अगला कह रहे सर इस बच्चे में एनीमिया देखा जाता है और चेंज स्किन और हेयर कलर, जो बालों का कलर है वो भी अलग दिखा जाता है और इसके अंदर जो देखा जाता है शोक की कंडीशन भी होती है इस बच्चे के अंदर, ठीक है। अगला कह रहा है सर मिरासमस के अंदर क्या है? तो सीवर मसल्स वास्टिंग देखी जाती है, ये बच्चा बहुत दुबला पतला सा दिखता है, जैसे अपन को इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कंकाल तंत्र को देख रहे हैं ये बच्चा, और इसके जो मसल्स होते हैं हाथ पैरों की जो मसल्स होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए अपन को बहुत वीक देखा जाता है। सीवर मसल्स वास्टिंग इसमें होती है, इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा देखा जाता है मसल्स वास्ट। अगला कह रहा है सर वेट लॉस बहुत कम होता है, वजन बहुत कम हो जाता है, वेट लॉस अगर इसके बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है। अगला कह रहा है सर लूज स्किन हो जाती है, जैसे बूढ़ा व्यक्ति की स्किन जो लूज होती है वैसी इसकी स्किन देखी जाती है मिरासमस वाले बच्चे के अंदर, हाँ ना। अगर आप 1 साल के बच्चे को देखोगे तो आपको देख आपको भी पता है काफी अच्छा ग्लो वगैरह नजर आता है, लेकिन इस वाले बच्चे को आप देखोगे तो स्किन आपको लूज दिखेगी और वजन बहुत ही कम देखेगा, एक एवरेज वजन होना चाहिए उससे बहुत कम नजर आएगा और जो भी है उसका बोन्स वगैरह अपन को अच्छे से नजर आएगा, मांस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अगला कह रहा है सर इसका जो आप पेस देखोगे वो मंकी पेस देखेगा, मतलब बूढ़े व्यक्ति की तरह उसका पेस नजर आता है, अडल्ट की तरह भी अब अपन को देखने को मिलता है। बात आती है सर अगर ऐसा हो जाता है तो अपन क्या करें उन बच्चों के अंदर, ऐसा क्या करें ताकि इसका अपन मैनेज कर सके? मान लो क्वाशिकोर हो गया बच्चा और जो गरीब फैमिली हो या अपन कह सकते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन की पूर्ति ना हो पाती हो, आया ना, उन्हीं के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है, या अपन कह सकते हैं कि जहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत ऐसी कंट्री है जहाँ पे नहीं प्राप्त हो पाता है, या स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है, आए ना विलेज अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर भी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट के बारे में इतना पता नहीं होता है कि कौन सा क्या खाना खिलाना चाहिए, बच्चे को प्रोटीन कितनी आवश्यक होती है, आए ना, ये चीज़ें अगर पता नहीं हो तो सर अपन को क्या करना है? अगर मान लो ये दोनों केस अपन को देखने को मिले तो इसके अंदर एडिशनल प्रोटीन और कैलोरीज और विटामिन्स और मिनरल्स अपन को देने होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं ना, अगर आप जाओगे विलेज वगैरह में देखोगे तो आंगनबाड़ी के अंदर है उनके अंदर न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, आजकल तो स्कूल के अंदर भी प्रोग्राम वगैरह काफ़ी चलाए जाते हैं जो बच्चों को जो 1 से 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिएंट देते, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं को मतलब उठाने के लिए दिया जाता है, तो क्या बच्चों को क्वाशिकोर और मिरासमस का सामना ना करना पड़े।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एडिशनल प्रोटीन कैलोरीज और ये अपन को गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिए जाते हैं। और गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र में भी आपको देखा होगा जो गर्भवती महिला होती है उसका भी ध्यान रखा जाता है, और जो शिशु हो जाता है तो भी 5 साल तक गवर्नमेंट उसके बारे में निगरानी रखती है। तो ये सारे काम अपन को क्या होता है, माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए सरकार के प्रोग्राम होते हैं, और उनके अंदर मेन सरकार का रोल यही होता है कि प्रोटीन और कैलोरी, विटामिन और मिनरल्स का क्या हो, भरपूर तरीके से उनको पूर्ति हो। अब क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये होता है सर क्वाशिकर जो डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है, और कितने साल के बच्चों में देखी जाती है, तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों में देखी जाती है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्या है कि सर इसके अंदर देखो प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज भी देखे जाए, विटामिन भी देखे जाएंगे और मिनरल्स भी देखे जाएंगे, अगर ये सभी देखने को मिले तो वो कहलाता है मेरास्मस डिजीज कहलाती है। एज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज कितनी एज वाले में मेरास्मस देखा जाता है और कितने एज वाले पे क्वाशिकोर देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर ये दो क्वेश्चन तो है ही, ये यहाँ से बहुत कम देखा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि किसके अंदर क्या हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो अपने नीड लेवल पे है, कंपटीशन लेवल पे है, वो दो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। हाँ है ना, एक तो यही पूछ लेता डायरेक्ट PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो डिजीज है वो कौन सी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा, क्वाशिकोर और मेरास्मस डिजीज होती, ये क्वेश्चन नहीं बन। इसके अलावा ये पूछ लेते हैं सिर्फ प्रोटीन का अगर अपन हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो क्या बनता है सर, अमीनो एसिड बनते हैं सर, और सर अमीनो एसिड के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है सर। हाँ है ना, बायोमोलिकुलर जो चैप्टर है अपना वहाँ से ये क्वेश्चन शानदार पूछता है, जहाँ पे अपन प्रोटीन को अच्छे से पढ़ते हैं वहाँ पे दोनों के दोनों पूछे जाते हैं कि सर अमीन और कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। इसके अलावा सर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटीन के फंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, बस यही है, ये 4-5 क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं, तो आप इनको उतार लो, और ये जो 2 बातें अपन ने बोली है क्वाशिकोर और मेरास्मस के बारे में ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।